किरोड़ी लाल मीणा, वो नाम जब किसी बेरोजगार को समस्या आती है तो धरातल पर उतरकर उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा किया जाता है। पेपर लीक की घटना हो या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, लगातार कांग्रेस के नाक में दम करने वाले किरोड़ी लाल मीणा केंद्र की पहली पसंद भी माने जाते हैं, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर लगातार विश्वास जताया है और जिस तरह हर सप्ताह उनकी ओर से प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस के पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, चाहे वो योजना भवन में पैसे मिलने का मामला हो या सोने की ईंट मिलने का मामला हो, उसको लेकर भी किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए थे। और विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह किरोड़ी लाल मीणा एक्टिव हुए, उस एक्टनेस को जो है बीजेपी का केंद्र नेतृत्व वॉच करने में लगा था। राज्यसभा सांसद रहे, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व की ओर से उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा गया। विधानसभा चुनाव में सवाई माधोपुर से उन्होंने जीत भी दर्ज करी, लेकिन लंबा राजनीतिक अनुभव है, ऐसे में उनके अनुभव को दरकिनार नहीं किया जा सकता, साइडलाइन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में बीजेपी का केंद्र नेतृत्व मंत्रिमंडल में उनको भी जिम्मेदारी दे सकता है, क्योंकि हर बार देखने को मिला चाहे पेपर लीक की घटना होती है तो सड़कों पर उतर जाते हैं बेरोजगार युवाओं के साथ, किसी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना हो तो सड़कों पर उतर जाते हैं, प्रशासन को घेरने की कोशिश उनकी ओर से की जाती है, या फिर किसी दलित पर अत्याचार होता है तो जो है किरोड़ी लाल मीणा सड़कों पर उतर जाते हैं, लगातार प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश भी की जाती है। पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना हो, मुआवजा दिलाना हो, सरकारी नौकरी दिलानी हो, इन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाने का काम किरोड़ी लाल मीणा की ओर से किया जाता है। राजनीति में काफ़ी लंबा अनुभव उनका रहा है, तो उनके अनुभव को देखते हुए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए निश्चित तौर पर जो है किरोड़ी लाल मीणा को भी जो है केंद्र की ओर से बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि मैं एक सेवक हूँ और पार्टी की सेवा करता रहूंगा, पद जो मिलेगा या नहीं मिलेगा केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा। लेकिन जिस तरह जो है किरोड़ी लाल मीणा इस उम्र में भी जो है एक्टिवनेस तो अपनी दिखाने में लगे थे, तो पूरा प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित उनकी ओर से किया जा रहा था, केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा था। तो कई ऐसे नाम हैं, इन नामों में किरोड़ी लाल मीणा का भी नाम शामिल है, इनको भी मंत्रिमंडल में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अपने क्षेत्र में दबदबा रखते हैं, मीणा वोटर साधने में भी माहिर हैं, युवाओं को भी साधने में माहिर है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी कम समय बचा है और इनके अनुभव का फायदा बीजेपी को मिल सकता है, तो ऐसे में बीजेपी इनका अनुभव का लाभ भी उठा सकती है और इनको बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकती है। बहरहाल कब केंद्रीय नेतृत्व की ओर से नामों पर मोहर लगेगी ये भी देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।